आप देख रहे हैं लाइव इंडिया, मैं हूं आफ्ताब आलम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हमारे साथ ऐसे दो यूथ आइकन मौजूद हैं यकीनन जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मशकूर अहमद उस्मानी, वहीं दूसरी तरफ जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद साहब। तो हम उनसे बात करेंगे, यकीनन आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि अभी हमारा मुद्दा क्या है। अभी जो एनआरसी सीए एनपीआर को लेकर देश के कोने कोने में विरोध किया जा रहा है, अधिक संख्या में आप देख सकते हैं जिस तरीके से महिलाएं इस बिल का विरोध कर रही है, सड़क पर है। तो हम जानना चाहेंगे मशकूर अहमद उस्मानी से, क्योंकि आप देश के कोने कोने में इसको लेकर सभा को संबोधित कर रहे हैं, वहीं अमित शाह डंके की चोट पे कहते हैं कि हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, इस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, अमित शाह तो उनको पावर का नशा है, सत्ता का नशा है। उनको ये लगता है कि 303 सीट लेके ये आ गए हैं, तो ये जो चाहे वो कानून बना लेंगे और हम खामोशी के साथ उसको देखते रहेंगे और उसको मान लेंगे। तो इस बार देश की जनता ने और ख़ासतौर से देश के युवाओं ने, छात्रों ने और देश में महिलाओं ने, बहनों ने, माताओं ने ये कह दिया है कि अमित शाह जी, अगर आप कोई इस तरह का काला कानून लाते हैं जो हमारे संविधान के मूल ढांचे पे हमला करता है, तो उस काले कानून को हम नहीं मानते। और आप ये कहते हैं कि आप एक ही पीछे नहीं जाएंगे, तो शाहीन बाग की बूढ़ी दादियाँ जो 95 साल की हैं, 90 साल की हैं, 100 साल की हैं, वो ये कह रही हैं कि ठीक है, आप एक इंच पीछे मत जाइए, लेकिन हम भी अपने विरोध प्रदर्शन से एक मिलीमीटर भी पीछे नहीं हटने वाले, आधा इंच भी पीछे नहीं हटने वाले। और यही जज्बा है कि शाहीन बाग का प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। और शाहीन बाग एक जगह का नाम नहीं है, शाहीन बाग एक सोच का नाम है, एक ऐसी सोच का नाम जिस सोच से देश को बचाया जाए, एक ऐसी सोच जो जोड़ने वाली सोच हो, तोड़ने वाली सोच नहीं हो। जो अमित शाह की जो सोच है और बीजेपी की जो सोच है वो तोड़ने की सोच है, लेकिन जो शाहीन बाग की सोच है वो जोड़ने की सोच है। तो इसीलिए अमित शाह जी कुछ भी कहते रहे, आपने तो कानून पास कर लिया अपने संख्या के बल पर, लेकिन सरकार को बता दिया इस देश की जनता ने कि आप पार्लियामेंट में बहुमत में हो सकते हैं, लेकिन सड़कों पे जो है एहतजाज इस बात को बता रहा है, सड़कों का प्रोटेस्ट इस बात को बता रहा है कि संसद अभी आवारा हुई है लेकिन सड़कें सुनसान नहीं हुई है। इसीलिए देश की आवाम खुल के प्रोटेस्ट कर रही है और इस काले कानून का विरोध कर रही है। जब तक इसको वापस नहीं लिया जाता तब तक ये विरोध प्रोटेस्ट चलता रहेगा। वो तो कह रहे हैं हम इस बिल में नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, ना कि किसी की छीनने की बात कर रहे हैं, और वो ब्लेम कर रहे हैं कि विपक्ष भड़काने का काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि इस देश में विपक्ष बचा है क्या, पहली बात तो ये है। मतलब जो कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी थी वो 52 सीट पे आ गई, समाजवादी पार्टी 5 सीट पे आ गई, आरजेडी का एक भी एमपी नहीं है लोकसभा के अंदर, और आप बोल रहे हैं विपक्ष साजिश कर रही है। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस लड़ाई को एकदम आगे आके लड़ रही है? ये लड़ाई बिल्कुल एपॉलिटिकल है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई है ही नहीं। तो अमित शाह जी को यही प्रॉब्लम हो रहा है कि अब तक इस लड़ाई में खुल के कोई पॉलिटिकल पार्टी का सामना ही नहीं आ रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बोले कि नहीं ये हमारी लड़ाई है, सारी पॉलिटिकल पार्टी ये बोले कि नहीं ठीक है आपका इशू सही है, जायज है, हम इसके साथ हैं, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपना इशू नहीं है ये। अब बात समझिए, ये इशू आवाम का है, ये इशू मुल्क का है। जब इशू आवाम का हो जाए, मुल्क का हो जाए, तो सत्ता के पाए हिलने लगते हैं और नरेंद्र मोदी अमित शाह के पाए हिलने लग रहे हैं। इसीलिए जब देखिए तो शाहीन बाग का नाम लेते हैं, चुनाव कैंपेन में जाते हैं दिल्ली में, घूम रहे हैं लक्ष्मी नगर में और नाम ले रहे हैं शाहीन बाग का, घूम रहे हैं मालवीय नगर में साकेत में, नाम ले रहे हैं शाहीन बाग का। तो ये है शाहीन बाग जो मैंने आपको बताया कि सोच, ये कैसी सोच है जो नरेंद्र मोदी अमित शाह को सोने नहीं देगी, और वो तब तक सोने नहीं देगी जब तक सीएए का काला कानून वापस नहीं हो जाता। अभी आप बिहार में हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वासियों को ये आश्वासन देते हैं कि किसी भी कीमत पर एनआरसी नहीं लागू होने देंगे, यकीनन जनता को कोई डरने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो इतिहास रहा है वो किसी से छुपा ढका नहीं है, वो पब्लिक डोमेन में क्लियर है। आज वो इस कदर सियासत में करवट मारते हैं जिस तरह से एक रात में लोग एक करवट से दूसरे करवट जाते हैं नींद को पलटने के लिए, इस तरह से ये सियासी करवट लेते हैं, तो इनका तो कुछ पता नहीं है कि आज किसके साथ है कल किसके साथ है। उन्होंने चुनाव लड़ा 2015 में, बीजेपी के खिलाफ वोट लिया, मिट्टी में मिल जाएंगे बीजेपी में नहीं जाएंगे, फिर 2017 में बीजेपी के साथ सरकार बना ली उन्होंने, और अभी संसद के अंदर सीएए का समर्थन किया और बाहर निकल के कह रहे हैं कि एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। और उसके बाद जो एनआरसी लागू नहीं होने देंगे के बाद की बात आई क्या, तो नया चिड़िया आया कि एनपीआर का नोटिफिकेशन पूरे स्टेट में है, पूरे हिंदुस्तान में बिहार पहला ऐसा स्टेट है जो एनपीआर नोटिफिकेशन लागू करता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं आदरणीय परशुराम जी, हमको ये बता दीजिए कि आज कुछ है कल कुछ है, आप अपना पोजीशन डिसाइड कर लीजिए कि आप चित हैं कि आप पत हैं। ठीक है,
इस ऐसे नहीं चलेगा कि कभी इस करवट तो कभी उस करवट, कभी इस गली तो कभी उस गली। आप अपना रास्ता डिसाइड कर लीजिए कि आप किधर रहना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार जी जो बोल रहे हैं उनकी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर उनको, अगर वो एनआरसी का वाकई विरोध करते हैं, सीए का विरोध करते हैं, एनपीआर का विरोध करते हैं, तो एक सेशन बुला लेना। अपोजिशन भी तो यहाँ पे यही कह रही है कि हम एनपीआर लागू नहीं होने देंगे, एनआरसी नहीं होने देंगे। तो पहली बार होगा बिहार के इतिहास में ऐसा कि अपोजिशन भी एक साथ, सरकार भी एक साथ, लेकिन सरकार की घटक दल अलग होगी, बीजेपी अलग होगी। ये भी एक देखने का माहौल होगा। इसको बुलाना चाहिए, अब तक तो नीतीश कुमार जी को बुला लेना चाहिए था, लेकिन अब तक उन्होंने बुलाया नहीं है। अपनी सभाएं कर रहे हैं, कभी सीमांचल में, कभी मिथिलांचल में, वहां पर उनको जनता करारा जवाब दे रही है। उनकी सभाएं खाली रह रही हैं, उनकी सभाओं में जब वो जा रहे हैं तो काली पट्टियां दिखाई जा रही हैं उनको, काले उनको झंडे दिखाए जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी को अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे, इसीलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि एक आखिरी पलटी उनको लेनी चाहिए। और पता नहीं आगे चुनाव है बिहार में, लेकिन एक आखिरी पलटी उनको लेनी चाहिए सीए एनआरसी के मसले पे, एनपीआर के मसले पे, कि अब पाला बदल के परमानेंटली आ जाना चाहिए इस पाले में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरजेडी के साथ चले, कांग्रेस के साथ चले जाए, मैं जिस पाले की बात कर रहा हूँ वो पाला देश की जनता का पाला है, वो पाला बिहार की जनता का पाला है, जिसने उनको वोट दिया, जिस वजह से वोट दिया, आप उस पाले में आ जाए बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी हमारे साथ दूसरी तरफ मौजूद है उमर खालिद साहब, यकीनन आप छात्र नेता से उभरे हैं। मैं जानना चाहूंगा जो इस समय आप देख सकते हैं हर तरफ, यानी छात्रों को एक टारगेट बनाया जा रहा है, यकीनन बार बार उस पर एक हमला किया जा रहा है, तो क्या उसकी एक आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जब से सरकार आई 2014 में पहली बार जब आई, तो कंसिस्टेंटली सरकार का विरोध कहीं से आया है, वो छात्रों की तरफ से आया है, वो चाहे आईआईटी मद्रास में शुरू हुआ हो, एफटीआई, एचसीयू, जेएनयू, और आज तक वो चले जा रहा है। अब अगर आप देश के विपक्ष का हाल देखें, जो देश की पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, जो चुनाव लड़ती है, अब उसका इतना बुरा हाल है और उसमें इतना डर है, और उसका हमेशा चुनावी गणित के बारे में ये सोचना कि इस पोजिशन, इस मसले पर स्टैंड लेने से कौन सा वोट कितना खिसक जाएगा और कितना वोट आ जाएगा, वो सब कंसर्न छात्रों के नहीं रहे। छात्रों का सिंपल लॉजिक है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, और इसको लेके छात्र सड़कों पर निकल कर आए हैं। दूसरी बात ये कि यूनिवर्सिटीज, हर फासिस्ट ताकत यूनिवर्सिटीज को अटैक करती है, बिकॉज वो चाहती नहीं कि लोग जाने पढ़े लिखें, पढ़ेंगे लिखेंगे तो सवाल भी करेंगे। हिटलर ने भी यूनिवर्सिटीज पर हमला किया था, अभी नरेंद्र मोदी भी यूनिवर्सिटीज पर हमला कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि वो यूनिवर्सिटीज को बेचना चाहते हैं, चाहते हैं कि जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी जो टैक्स पेयर्स मनी से चलती हैं, जो हमारा टैक्स का पैसा हम सरकार को देते हैं, और उसके चलते सरकार एक यूनिवर्सिटी जेएनयू इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बना के देती है, उस यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाए, उसकी जगह जियो यूनिवर्सिटी खोली जाए, या 10 लाख रुपये प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुले। तो इन तीनों कारण हैं, छात्र सरकार के विपक्ष है, कंसिस्टेंट अपोजिशन है, यूनिवर्सिटीज में चाहते नहीं वो लोग जाएँ, वो लोग पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, और किसी बात शिक्षा को बेचना है। ये तीन मसले हैं इस वजह से यूनिवर्सिटीज पर हमला है। अच्छा, अभी आप देखे होंगे ग्राउंड रिपोर्ट करने को यानी उतरे थे दीपक चौरसिया, न्यूज़ नेशन के रिपोर्टर हैं वो, और वो शाहीन बाग पे पहुंचे थे, उनको उनके साथ यानी जो भी मामला, जो भी वो हाथापाई या जो भी कुछ हुआ, उनके बाद वो ट्वीट करके बताते हैं कि वो मॉब लिंचिंग का एक अड्डा है, शाहीन बाग को वो मॉब लिंचिंग का एक अड्डा बताते हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जहाँ तक रिपोर्टर नहीं चाटुकार है, देश में लोगों के खिलाफ दुष्प्रचार चलाना, सत्ता की चाटुकारिता करना, ये सब काम है चौरसिया साहब का। उसके बावजूद जो उनके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उनके साथ तो मॉब लिंचिंग नहीं हुई, मतलब उनके साथ लोगों ने धक्का मुक्की करी, मेरा मानना इतना भी नहीं होना चाहिए था। और शाहीन बाग में जिस किस्म का विरोध चल रहा है, आज उनकी साजिश यही है कि शाहीन बाग को वो दबा नहीं पाए तो उसको बदनाम करने की साजिश करी जा रही है। तो जिन भी लोगों ने किया उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं उनकी निंदा भी करता हूँ, लेकिन ये बोलना मॉब लिंचिंग हुई है, एक्चुअली जिनकी मॉब लिंचिंग हुई है उनका अपमान करना है, मतलब अखलाक, पहलू खान, तमीज अंसारी, अलीमुद्दीन अंसारी, और तमाम लोग जिनको सही में मॉब लिंचिंग हुई, मॉब लिंचिंग असलियत में क्या होती है, ये दीपक चौरसिया कभी अखलाक के लिए, तमीज अंसारी के लिए कभी कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, कभी कोई रिपोर्ट नहीं करेंगे, जहाँ एक्चुअली में मॉब लिंचिंग हुई है, जो एक्चुअली में मॉब लिंचिंग करते हैं उनके पास बूता नहीं है कौन से सवाल पूछा जाए, तो आप कमज़ोर को बदनाम कर रहे हैं, यही आज पत्रकारिता का हाल हो गया। अभी एक बात बताइए, इस देश में क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिंदा है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिंदा तो बहुत पहले मतलब नहीं रहा, अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि बाकी स्तंभ को भी गिरा दिया जाए। चौथा स्तंभ बहुत हाइपर एक्टिव हो गए, बाकी स्तंभ को गिराने का काम कर रहे हैं, और जैसे मैंने बोला उसका काम यही रह गया है कि सत्ता की और जो मजबूत है उसकी दलाली करना और कमजोर के खिलाफ दुष्प्रचार चलाना। आखिर में आप हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे?
देखिए मैं ये बताना चाहूंगा कि आज के देश पे जो हमला है वो इतना बड़ा हमला है कि देश की जो पूरी विरासत है उस पर हमला है। मतलब हमारा देश इतना हजारों साल पुराना देश है, इतने सारे समुदाय के लोग रहे हैं, इतने सारे धर्म मानने वाले लोग रहे हैं, इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहे हैं, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। आज कोशिश करी जा रही है कि उसी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को खत्म कर दिया जाए और एक रंग में देश को ढाल दिया जाए। ये इस देश को खत्म कर देगा। पाकिस्तान इस रास्ते पर गया था, पाकिस्तान इस रास्ते पर गया, वो ऑलरेडी दो हिस्सों में हो गया कुछ सालों के अंदर। देश को टूटने ना दें, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कोशिश है, और एकजुटता के साथ इसका विरोध करें। डरने की कोई जरूरत नहीं है, आज देश को बचाने की लड़ाई है। इतिहास पूछेगा कल को हमसे, 20 साल बाद 30 साल बाद जब ये हमले हो रहे थे हम कहाँ थे। इतिहास हमको याद रखे कि हम सही जगह थे। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ आपके जरिए कि CA NRC NPR का विरोध करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।